प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त महिलाएं। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और वो आज एक साजिश को एक्सपोज करेंगी, कैसे प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। ये बताइए कि आज कोलकाता में पीएम मोदी की एक रैली थी, वो एक तरफ भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ धारा 144 कोलकाता में लागू है, इसके बावजूद ममता बनर्जी रोड शो कर रही थी, तो ये क्या था? जो ममता बनर्जी हर रोज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कोसती रहती हैं, गालियां परोसती रहती हैं, भर भर के गालियां परोसती हैं, यहां तक के इस पूरे इलेक्शन के कंपेनिंग में श्रीमती ममता बनर्जी ने हर मंच पर एक बात कही है और जनता को डराया है कि फिर से थर्ड टर्म में अगर मोदी जी आ जाते हैं तो वो संविधान बदल देंगे। अब आप मुझे बताइए कि पुलिस मंत्रालय ममता बनर्जी के पास इस राज्य का, उन्होंने अपने पुलिस के द्वारा 2 महीने के लिए धारा 144 लगवाया, तो उन्होंने रोड शो कैसे कर दिया? और वो भी ऐसा वैसा रोड शो नहीं हुआ है। अभी मैं मोदी जी की रैली को कवर करके उसके बाद फिर पूरे रोड को जादवपुर से लेकर के ग्रीष पार्क तक मैं देखती भी आ रही हूँ, रोड की हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं और ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में पुलिस ऐसे खड़ी है जैसे लग रहा है कि धारा 144 को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, एकदम मतलब मसल करके खत्म कर दिया गया है। अब आप मुझे बताएं कि संविधान के साथ साथ कानून के साथ कौन खेल रहा है? हर रोज श्रीमती ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट को बेइज्जत करती हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के इजलास को वो गालियां परोसती हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस को वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर बोलती हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट को वो भारतीय जनता की पार्टी ऑफिस बोलती हैं। तो उनका पुलिस मंत्रालय, इस राज्य का पुलिस मंत्रालय जब उनके पास है तो उनको तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए था ना, धारा 144 का उनको तो एटलीस्ट ख्याल रखना चाहिए था। अब बोलिए कि अब वो फिर कहेंगी कि 144 धारा लगी हुई थी और मोदी जी ने आकर के यहाँ पर अपना अपना भाषण रख दिया। तो भैया आप तो रोड शो कर रही है, वो तो सिर्फ एक जगह पे एक मैदान में अपनी स्पीच रखकर चले गए, उनका जेट चला गया, उनका हेलीकॉप्टर उड़ गया, पर आपका ये रोड शो तो अभी तक चल रहा है, अभी तो ये चलते चलते दमदम तक जाएगा। मतलब कि 12 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक का ये कार्यक्रम श्रीमती ममता बनर्जी ने 144 धारा को कुचल करके, पैरों के नीचे रौंद करके, अपने हवाई चप्पल से मसल करके उन्होंने अपना रोड शो कर लिया। अब आप बोलिए, अब जनता इस बात का जवाब दे और खास करके मुसलमान इस बात का जवाब दे कि संविधान से लेकर के कानून तक को कौन रौंद रहा है और कौन कुचल रहा है। पर नाज़िया जी एक चीज समझ में नहीं आती कि ममता बनर्जी ने खुद ये धारा 144 लगाई और इसलिए लगाई थी ताकि ज्यादा भीड़ पीएम मोदी की रैली में ना जाए, और फिर खुद ही रोड शो भी कर डाला, तो ये ममता बनर्जी दिखाना क्या चाह रही थी? क्या जरूरत थी फिर धारा 144 लगाने की? क्या सिर्फ इसलिए कि पीएम मोदी की रैली में ज्यादा लोग ना जाए? जी हाँ, देखिए उनको भी पता था कि कोलकाता मेन कोलकाता का इलेक्शन 1 तारीख को है, वोटिंग जो है 1 तारीख को है, और ये कोलकाता के जितनी भी 3 सीटें हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल सीटें हैं। अब क्यों वैल्यूबल है? क्योंकि इसी कोलकाता के 3 सीटों पर और साथ में एक बशीरहाट की सीट भी आ रही है, मतलब 4 सीटों से कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलीगल कंस्ट्रक्शन का सारा धंधा चलता है, ड्रेनेज और टेंडर का सारा धंधा चलता है। इसी कोलकाता के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला करके ये जो ब्रिजेस के टेंडर पास होते हैं, ये जो फ्लाईओवर के टेंडर पास होते हैं, ये जो वाटर सप्लाई के टेंडर पास होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के टेंडर पास होते हैं, ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होता है। इसलिए ये 4 सीटें इतनी महत्वपूर्ण थी कि
कि उन्होंने ये सोचा था कि धारा 144 वो अपने होम मिनिस्ट्री के मंत्रालय से लगवा देंगी तो मोदी जी के स्पीचेस जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा और भीड़ भी वहां पर नहीं हो पाएगी। जब उन्होंने देखा कि जनता जो है वो जय श्री राम का नारा ऐसे लगा रही है कि इस भीड़ को मोदी जी तक पहुंचने पर रोका नहीं जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि जो रैली उनकी दमदम से स्टार्ट होने वाली थी, श्रीमती ममता बनर्जी की रोड शो जो दमदम एरिया से स्टार्ट होने वाली थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया पार्क सर्कस एरिया से, मतलब जादवपुर से सिर्फ 12 मिनट के डिस्टेंस से उन्होंने स्टार्ट किया। वो भी इसलिए किया ताकि मीडिया का जो अटेंशन है वो श्रीमती ममता बनर्जी पर चला जाए और भीड़ का जो अटेंशन है वो श्रीमती ममता बनर्जी पर चला जाए। पर शायद श्रीमती ममता बनर्जी ये बात भूल गई कि ये जो पर्व है, ये जो गर्व है, ये जो लोकतंत्र है, ये जो लोकसभा इलेक्शन है, ये देश का इलेक्शन है, ये किसी राज्य का इलेक्शन नहीं है। और जब बात देश की आती है तो देश पर देश का चौकीदार सिर्फ एक ही है और वो है मोदी जी। वो इस बात को समझ रही थी, मान रही थी, इसीलिए उन्होंने इतनी स्ट्रैटेजी खेली और उन्होंने ये काम किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीमती ममता बनर्जी के लिए क्यों जरूरी है। बशीरहाट ही बांग्लादेशी घुसपैठिया एंटर करते हैं, हाड़वा से ही सारे मछली के चाश होते हैं और इलीगल तरीके से जितने भी मछलियां होती हैं जैसे पॉन है, भागदा है, वो बांग्लादेश को इलीगल तरीके से भेजा जाता है और बिना किसी प्रूफ के वहां से आमदनी बशीरहाट में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्रियों का होता है, जिसमें ना कोई जीएसटी लगता है, ना कोई टैक्स लगता है, ना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस की जरूरत होती है। वो आराम से तारों के नीचे से और सुरंगों के पीछे से आराम से होता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बशीरहाट में जितने भी CISF और आर्मी को बैठाया गया है उनके ऊपर भी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के लालच में लोग अपनी वर्दियां बेचते हैं और ये हमने गाहे बगाहे देखा है। आज देखिए पुलिस मंत्री के टेबल पर से 144 धारा लगी इस पश्चिम बंगाल राज्य में और पुलिस ने हर जगह बयान किया कि 144 धारा लगी हुई है, चार लोग भी खड़े नहीं हो सकते हैं। तो फिर ममता बनर्जी के रोड शो में पूरी सिक्योरिटी देने वाली भी पुलिस और पुलिस चौकसी बैठाने वाली भी पुलिस, उनके आगे पीछे चलने वाली भी पुलिस और लाखों की भीड़ इकट्ठा कर करके रोड शो करवाने वाली भी पुलिस। तो पुलिस आज जो वर्दी पुलिस पश्चिम बंगाल की पुलिस पहनी हुई है वो एक्चुअली में सिर्फ दिखावे की वर्दी है। ये श्रीमती ममता बनर्जी के कैडर बनके घूम रहे हैं विथ यूनिफॉर्म, ये श्रीमती ममता बनर्जी के दलाल बनके घूम रहे हैं विथ यूनिफॉर्म, ये श्रीमती ममता बनर्जी के साइलेंट प्रचारक बन करके घूम रहे हैं विथ यूनिफॉर्म। पर नाजिया जी, ये जो बशीरहाट है जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल तरीके से कारोबार भी होता है, तो जितने भी घुसपैठिए आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं और इसीलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि इस सीट पर कम से कम उनका कब्जा बना रहे। अगर इस सीट पर बीजेपी आ जाती है तब तो ममता बनर्जी की वाट लग जाएगी, फिर तो वो एंट्री पॉइंट ही बंद हो जाएगा जहां से उनके इलीगल वोट बैंक बांग्लादेश से भारत आता है। जी, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाना चाहूंगी जी, और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाना चाहूंगी कि आज श्रीमती ममता बनर्जी ईद की नमाज के मंच से, रमजान के अफ्तार के मंच से, मुहर्रम के जुलूस के मंच से, उसके बाद फिर अपनी इलेक्शन की कंपेनिंग के मंच से आज वो CAA का विरोध कर रही है, आज वो CAA के खिलाफ में भाषण दे रही है। लेकिन CAA पर और NRC करवाने के लिए तो पहली बार ममता बनर्जी जी ने ही बताया था कि हमारे पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया बोगस वोटर्स भरे पड़े हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्ने खोलने के लिए बोलती हूँ और मैं 4/8/2005 में लेकर आपको जाती हूँ। 12:02 हो रहा था, ये हमारे ही पार्लियामेंट, पुराने पार्लियामेंट का की कहानी है। 4/8/2005 12:01 पर श्रीमती ममता बनर्जी ने कागजों का एक पूरा बंडल स्पीकर के मुंह पर फेंका था, स्पीकर के मुंह पर फेंक करके कहा था कि जानबूझ करके आप लोग NRC और CA नहीं करवा रहे हैं ताकि लेफ्ट फ्रंट बोगस वोटर्स, फेक वोटर्स और घुसपैठिया के वोट से जीतता रहे। ये तो ममता बनर्जी ने बताया था, तब जाकर के बीजेपी को पता चला। तो पर CA NRC
आज ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, लेकिन कल तो वही स्पीकर के मुंह पे कागज फेंक रही थी। उन्होंने ही तो पार्लियामेंट से लेकर के इस पूरे देश को बताया, इस पूरी दुनिया को बताया था कि पश्चिम बंगाल में बोगस वोटर्स, फेक वोटर्स और घुसपैठिया भरे पड़े हैं। उसी पर जब इम्प्लीमेंटेशन सीएए का हो गया तो ममता बनर्जी उसके खिलाफ हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के कहने पर 4 जून के बाद तुरंत एनआरसी भी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। और आज बशीरहाट की कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीमती ममता बनर्जी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वैल्यूबल है, क्योंकि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जीत जाती है तो जितना भी वक्फ बोर्ड का जो लैंड माफिया वहां पर चल रहा है, वहां पर हाजियों का जो नंगा नाच चल रहा है, वहां पर मछलियों का जो स्मगलिंग चल रहा है, मछलियों के पेट में डाल करके माधव प्रचार जो वहां पर चल रहा है, जो हम फिल्मों में देखा करते हैं, उसके बाद फिर मानव प्रचार जो वहां पर चल रहा है, वहां पर खेती का प्रचार जो वहां पर चल रहा है, वहां पर मांस बलात्कार जो चल रहा है, वहां पर अल्कोहल का जो इलीगल धंधा चल रहा है, वहां पर ईरान, तेहरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मंगवा करके जो ड्रग्स हीरोइन और गांजा और कोकीन का धंधा चल रहा है, और साथ साथ घुसपैठियों को घुसाने का जो धंधा चल रहा है वो पर्दाफाश हो जाएगा, और इस धंधे से आने वाला एक बहुत बड़ा इनकम वो भी बंद हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाजिया अली खान जी ने ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी को पूरे अच्छे से एक्सपोज किया। ममता बनर्जी वही है जो पहले कहती कुछ है और बाद में करती कुछ है। ममता बनर्जी वही है जिन्होंने पहले सीए एनआरसी के पक्ष में बयान दिए थे, अब वो खुद ही उसके खिलाफ हो चुकी हैं। और आपने देखा खुद ही 144 की धारा लगा के ममता बनर्जी खुद ही वेस्ट बंगाल में रोड शोज कर रही है। इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी कहती कुछ हो रहा है और करती कुछ है, पर उनका पूरा फोकस सिर्फ इसी पे है कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में जो भीड़ है उसको कम किया जाए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।